हेलो गाइस, मस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लेटेस्ट में बताना चाहूंगा, बिलाव नेटवर्क का अच्छा अपडेट आ चुका है और अच्छी इंतजार जो बना हुआ है कि कब अच्छा मुझे खबर मिले, क्योंकि सब लोग नाराजगी हैं। नाराज होने की जरूरत नहीं है, अच्छी खबर सुनना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें कंजूसी मत कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तभी जाके मैं अच्छा न्यूज लेकर आऊंगा। बेटर है कि आप सपोर्ट जरूर कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बिलाव नेटवर्क में आप जो घबरा चुके हैं, बहुत लोगों को कमेंट देखे हैं कि सर मैं बिलाव नेटवर्क में लगे थे एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ, वो उम्मीद पे पानी फिर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, उम्मीद पे पानी नहीं फिरा है मेरे भाई। सारे क्वाइन अगर बिलाव रखे हैं, बीएलडी रखे हैं, बीएलडी अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बीएलडी नहीं हुआ, बीएलबी 2.0 हो गया है तो उसको मुझे कि यही है सेम बीएलडी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर बिलॉप टोकन रखे हैं तो उस टोकन को इसमें स्वैप कर लीजिए। और इससे बोला भी गया है आपको 10 तारीख को तक एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस 10 नवंबर तक। और इसमें एक और बात है कि आपको एक एक्सचेंज ऑन पे अगर आप काम किए हैं, जैसे कि टोकन लेन देन किए हैं, आपका टोकन विड्रॉल नहीं हुआ है, आपका टोकन फंस गया है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है और वो चीज़ आपके एक्सचेंज ऑन में फॉर्म भरने का, सबमिट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो बेटर है कि वो ऑप्शन कैसे आया है, ट्विटर पर साफ ट्वीट करके उसका लिंक भी दिया गया है। उस लिंक का मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑन एक्सचेंज पे भी हो सकता है कि आपका दिया होगा, आपके वॉलेट में होगा। तो वहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑन एक्सचेंज पे लिंक करेंगे तो यहाँ पे आपका नोटिस दिया गया है कि जिनका भी पेंडिंग में है, अप्रूवल नहीं मिला है, वो जाकर अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वॉलेट एड्रेस और जो उसका की है प्राइवेट, वो चीज़, मतलब जितना आप क्वाइन पेंडिंग में था उसका स्क्रीन शॉट, सारे चीज़ फिलअप करके इस तरह से और वहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये फॉर्म पूरा स्टेप बाय स्टेप भरिए और सबमिट कीजिए। जिनका भी अगर पेंडिंग में कोई भी टोकन होगा वो मिलने का निश्चित तय है, क्योंकि उन्होंने मीटिंग में भी ये बात कही थी कि हम लोग पुराने लोग जो लगे थे उनका एक उम्मीद था, उस उम्मीद पे हम पानी नहीं फिरने वाले हैं, वो 100% पहले उन्हीं का टोकन मैं देने वाला हूँ। बहुत लोग को ये है कि गोट जो लॉन्च होने वाला है, गोट लॉन्च होने वाला है, उसमें भी लोग पैसा इन्वेस्ट किए थे, उनका भी पैसा देने वाले हैं, 100% उन्हीं के लिए जो है ये चीज़ रुका हुआ है। और फिर उसके बाद जो है रीसेट कर दिया जाएगा, पैसा देने के बाद नए सिरे से लोग वहां पे ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ये बात ही भी समझिए। सबसे बड़ी बात ये है कि बिलॉप डेथ, इसी का मेन मुद्दा है और इसी पे लोगों का ज़्यादा फोकस है, उनका भी ज़्यादा फोकस है। हज़ार तरह का जो भी वो अपडेट किए, चाहे टेलीग्राम पर दिए, चाहे कुछ भी पोस्ट किए हैं, मेन मुद्दा यही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हम लोग इस सिस्टम में लगे हैं तो एयर ड्रॉप का जो है ना, ये जो झोल होता है, कुछ लोगों का लगता है कि यहीं पे हमारा जीवन बदल जाएगा। भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट में जीवन नहीं बदलता, मगर इन्होंने तो अच्छा खासा थोड़ा रास्ता निकाल दिया। नहीं तो एयर ड्रॉप में आप बताइए कॉमेंट करके किसको कितना लाख रुपया मिला है एयर ड्रॉप से, कोई भी हो, हॉमस्टर जैसे तो कोई मैं नहीं देखा चलते वक्त। अभी पाई भी है तो पाई भी चल रहा है, बहुत चल रहा है, मगर अभी किसी को कुछ उतना नहीं मिला जितना कि उम्मीद लगा के बैठते हैं। मगर इन्होंने थोड़ा ऐसा एडवांस लेवल का कर दिया, जो उम्मीद लगा के बैठते हैं उसमें उम्मीद जगता है, डूबता नहीं है, थोड़ा समझने की बात है। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि देखिए, लिस्टिंग होने की बात जो कह रहे थे, अरे भाई 5 तारीख तो मीटिंग का डेट था, लिस्टिंग का ऑलरेडी रोडमैप जो लगा है ना, रोडमैप के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, आप इसमें घबरा जाते हैं कि अभी मिलेगा। हम कमेंट भी देखे यार कि अब लिस्टिंग नहीं करेंगे, उमर खान ये हो जाएगा, निगेटिव से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, बात को समझा कीजिए। 100% जो है ना, जो होता है वो कंप्लीट, वो जो रोडमैप है उसी के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। अब जो है आप बिलॉब नेट पर लगे हैं तो तीवा चैलेंज आज का जो मैं बता देना चाहता हूँ, इसको कम्प्लीट कर लीजिए। बेटर है कि आज जो है स्टीम है, पहला शब्द यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा देते हैं, स्टीम है, दूसरा जो है PHP है, ठीक है, ये दोनों देख के अपना जो है कंप्लीट कर लीजिए त्रिवा चैलेंज कंप्लीट करना ज़रूरी है, ताकि जो है उससे आपका पर घंटे का आवर टोकन बढ़ते रहे। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, जो लोग समझते हैं ना कि लिस्टिंग नहीं होगा, उमर खान दिन ब दिन टालते जा रहे हैं, तो भैया बात यहाँ पे है कि आप थोड़ा समझदारी दिखाइए, और इसीलिए जो है लोग नाराज भी हो जाते हैं। पहले समझिएगा नहीं उस चीज़ को तो कैसे होगा।
हम कह रहे हैं कि वो लाही भा के बोल दिए, ऐसे वो तो चलिए मान लीजिए कि उसका ये मालिक है कि लाही भा के बोल दिए, समझा दिए कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है। यहाँ तो एक जेन्युइन तरीका हो गया कि क्योंकि वो आपके अपना लाइव आए, अपना खुद का मालिक है कि सब कुछ बता रहा है, प्लस माइनस सब कुछ बता रहे हैं, तब आपको तो भरोसा करना पड़ेगा ना इस पे। और जो चीज ऐसे प्लान आते हैं जिसमें कोई मालिक ना दाता है ना फादर है ना कुछ, उसका कोई माई बाप नहीं है, उस पे आप भरोसा कर लेते हैं, लगता है कि वो आपका जीवन बदल देने वाला है, वो कुछ नहीं बदलने वाला है, वो स्कैम करके लेके भागने वाला है। यहाँ पे स्कैम करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो फेस आ गया सब कुछ लाइव कर दिए, और वो चीज फिर दोबारा जिंदगी में अगर एक बार स्कैम कर दिया फिर दोबारा कुछ भी लेके आएंगे तो क्या उनका चल पाएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ वैसा नहीं है जैसे आप निगेटिव सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं मगर निगेटिव नहीं है, प्लस पॉइंट में आइए। क्योंकि वो जो बताए ना वो एक दिन का इनकम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा दिन का इनकम हो रहा है, मगर यही है कि कुछ ऐसे इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें आपको मतलब आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी जाके उसमें ज्वाइनिंग हो पाइएगा, ज्यादा अर्निंग कर पाइएगा। और एयर ड्रॉप की बात है कि बीएलडी को डाउन ना होने की वजह से स्टेकिंग वाला फार्मूला लगाया गया है ताकि जो है आपका कुछ मिले, वो भी ये फार्मूला सुने थे। बहुत ऐसे बड़े बड़े आपको मीटिंग में होंगे तो आपको पता होगा, बड़े बड़े ट्रेडर से लाइव में जो थे उनसे सवाल किया गया कि अगर हम 20 मिलियन टोकन का हम यहाँ पे जब हम डालते हैं अगर हमारा लिस्टिंग होता है तो क्या हमारा कितना तक चला जाएगा रेट, $2 से भी करेंगे तो कितना रेट चला जाएगा डाउन में। सब लोग यही अनुमान लगाया कि 0.3015 ऐसे करके चला जाएगा, 0.00012345 ऐसे चला जाएगा रेट। वो क्यों बोले, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई कि कोई भी एयर ड्रॉप का जब भी लिस्टिंग किया जाता है डाउनफॉल में जाना निश्चित होता है। तब उन्होंने कहा कि साफ तौर पे उमर खान ने कहा कि भैया जब ऐसे लोग 3 साल 4 साल से मतलब मेहनत कर रहे हैं, हमारे पीछे आ रहे हैं 2 साल से, तो सारे मेहनत किए पे पानी फिर जाएगा। वो खुद अपनी जुबान से मुंह से कहे, अगर मीटिंग सुने होंगे तो आपको मालूम भी होगा। तब जाके बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट ही डूब जाएगा, खुद जुबान से कहे थे। तब कैसे होगा, तो देखिए इसी चीज को माने एडवांस लेवल में हमने क्या किया कि अपग्रेड किया है, जिसमें जो भी टोकन वो विड्रॉल एयर ड्रॉप करेंगे तो हर जगह हम 15 प्रोजेक्ट में उनका इन्वेस्ट करके उनको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो भैया जब जो आदमी इतना कह रहा है, आपसे सारी बात कह दिया, प्लस भी होने वाला है माइनस भी होने वाला है कैसे मिलने वाला है सारी बात समझा दिया, तब भी आपको बुरा लग रहा है, मगर बुरा मत मानिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब लाइव जैसे किया जाएगा ना उस स्टेप में समझना पड़ेगा। मुझे तो 80% समझ में आ गया है कैसे खेल है क्या करना है सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। भले गलती लगे तो माफ़ करना मगर रियलिटी है, आपको वेट करना पड़ेगा, वेट कीजिए। और देखिए एक प्रोजेक्ट पे नहीं है कि तुरंत काम सट दे हो जाएगा, तुरंत आए तुरंत हो जाएगा, ये लंबा लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है तो भाई इस पर टाइम लगेगा, डेवलपर को जो जैसे सोचता है वैसे काम करके दिखाना होता है, इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर।